गुड इवनिंग दोस्तों, वी आर ऑल सेट फॉर आवर फर्स्ट एवर ट्रिप आफ्टर 3 इयर्स। निकिता और मैं लास्ट हम्पी गए थे कर्नाटका में हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे। अभी हम ऑलमोस्ट 3.5 साल बाद फिर से वही स्टेट में जा रहे हैं, बट इस बार हम घूमेंगे मैसूर, कुर्ग, मैंगलोर और उड़ीपी। और इस ट्रिप की खासियत ये है कि इस ट्रिप में हमारे जुड़वा निहान और मिवान भी हैं, तो ये ट्रिप एक तरह से चैलेंजिंग और एक्साइटिंग भी होने वाली है। अभी हमारी कैब आ रही है, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जाएंगे बैंगलोर, बैंगलोर से जाएंगे रोड ट्रिप करके मैसूर, एंड या लेट्स गो। अभी हम है बैंगलोर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अवनी इज हियर, नीरज वीडियो ले रहा है, निकिता इज हियर, ये मिहान, ये मिवान दोनों सो गए थे फ्लाइट में, अभी उठे हैं, नींद पूरी नहीं हुई है। चलिए फटाफट सामान लेके गाड़ी में बैठ के चलते हैं मैसूर, लेट्स गो। मैसूर सॉरी। डे वन ऑफ आर 5-day ट्रिप टू मैसूर, कुर्ग, मैंगलोर एंड उड़ीपी। हम सुबह 7 बजे अपने होटल पहुंचे, हम फ्रेश वगैरह हुए, बच्चों को रेडी किया, ब्रेकफास्ट किया और अभी कुछ बज रहे हैं 10-10:15 बज रहे होंगे और अभी हम जा रहे हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन, जो बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसका लोकली एटलीस्ट, वो है चामुंडी हिल। और वहां पे हम जाएंगे चामुंडेश्वरी टेम्पल में। वो 12th सेंचुरी में होयसला किंग ने बनवाया था और 17th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के किंग ने उसको रिफर्बिश या उसको और अच्छे से बनाया था। ये टेंपल के पीछे जो स्टोरी है उसी के ऊपर से मैसूर का नाम पड़ा है। सो चलिए चलते हैं, आपको मैं और डिटेल्स बताता हूँ आगे। यहाँ से 16 किलोमीटर है, अबाउट 45-50 मिनट्स लगेगा। सो लेट्स गो। चामुंडेश्वरी टेम्पल बहुत बहुत सीनिक, ब्यूटीफुल रूट, क्लाइमेट भी बहुत प्लेजेंट है एंड इट्स फैबुलस। ऐसा कहा जाता है कि चामुंडेश्वरी माता ने इसी जगह पर महिषासुर का वध किया था, महिषासुर को मार गिराया था, तो इस फेनोमेना को कहते हैं महिषासुर उरु। तो इसी पर से इस जगह का नाम पड़ा है मैसूर, जो भी मैसूरू हो गया है। इट्स लाइक द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैसूर। आसपास से यहाँ पूरा मैसूर सिटी दिखता है। अभी हम जाएंगे वापस अपनी कैब में और वहाँ से एक व्यू पॉइंट है वहाँ पर रुकेंगे और वहाँ से मैसूर सिटी का एक नज़ारा लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने अगले डेस्टिनेशन पे। सो लेट्स गो। दोस्तों यही है वो महिषासुर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका वध चामुंडा माता ने किया था।
यही है वो डेमन, महिषासुराना ओरू उरु मैसूरू, वैसे नाम गिरा है इस प्लेस का। गाइस अभी बज रहे हैं कुछ 12:30 और हम हैं मैसूर के सेकंड हमारे डेस्टिनेशन पे जो है मैसूर जू, आल्सो नोन एज श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स। ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जू माना जाता है। इट्स वेरी क्लीन, वेरी ह्यूज, बहुत टाइप के एनिमल्स हैं। इट इज ओवर 100 ईयर्स ओल्ड। तो अभी हम चलेंगे अंदर। लैन के लो करे अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर चलना होता है सारे एनिमल्स बर्ड्स फ्लोरा फौना को देखने के लिए। हम अभी तक 1.25 घंटे में सिर्फ 0.8 किलोमीटर ही कवर कर पाए हैं। इतना विशाल, इतना बड़ा और इतनी वैरायटी है यहाँ पे। और सब लोग को थकान तो हो गई है बट सभी अभी तक एक्साइटमेंट बरकरार है। ज़ीब्रा बाकी है, एलिफेंट बाकी है, जिराफ बाकी है, हाइना, ये सब एनिमल्स बाकी है अभी। तो अभी हम और 2.2 किलोमीटर चलने वाले हैं। पता नहीं कितना समय लगेगा, सबको बहुत तेज़ी से भूख लगी है बट एट द सेम टाइम सब एनिमल्स भी देखने हैं। तो और एक ख़ास बात इस जू की ये है कि बहुत सारे एनिमल्स को किसी संस्था या किसी इंडिविजुअल ने अडॉप्ट किया हुआ है। सो एक तरह से काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है इस जू को, बिकॉज जो खर्चा होता है वो कोई और उठा रहा है। सो दे कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। ये जू बहुत ही क्लीन है, बहुत नीट है और फ्रेश एयर है अंदर, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और वेल मेंटेन्ड है। साइंस, कौन सा एनिमल किस तरफ है, मैप सब अच्छे से रखा हुआ है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू कम हियर। और 2.2 किलोमीटर्स कवर करते हैं, फिर मिलते हैं।